उमरिया जिले के करकेली जनपद पंचायत सीईओ प्रेरणा परमहंस को लोकायुक्त रीवा की टीम ने 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि SBM की राशि आहरण को लेकर बहेरवाह ग्राम पंचायत के सरपंच प्रमोद यादव से मांगी गई थी, जिस पर सरपंच के द्वारा लोकायुक्त रीवा को इसकी शिकायत की गई। लोकायुक्त की कार्रवाई अभी जारी है। करकेली जनपद पंचायत सीईओ रिश्वतखोरी के लिए पहले से सुर्खियां बटोर रहा है। इससे पहले भी अन्य को भी लोकायुक्त टीम के द्वारा धर दबोचा गया, लेकिन अभी भी जैसे का तैसा चल रहा है। जनपद सीईओ पहले से ही चर्चित रही थी। ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार को पैसे के दम पर अभयदान देने में, बड़े बड़े मामलों में सचिवों की फाइलें दफन करने में देखना लाजमी होगा कि लोकायुक्त की जांच कर कार्रवाई में आगे क्या होता है। ग्राम पंचायत बहरवास सरपंच हूँ। जनपद सीईओ मैडम से मेरी बात हुई थी, मतलब कि 10,000 रुपये मांग रहे थे SBM का पैसे निकालने के लिए, रिश्वत मांग रही थी। और सभी पंच के और मेरा मानदेय नहीं मिल रहा है, अभी आज दिनांक तक नहीं मिला है। बाकी पंचायतों का सभी का आ रहा है। तो 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। मैंने 6 तारीख को मतलब रिकॉर्ड किया था लोकायुक्त टीम के, उसमें से जो रिकॉर्डर दिए थे, और आज रंगे हाथ पकड़वाए हूँ उनके गृह निवास पर। मेरे से पैसा मांगी थी 10,000 रुपये रिश्वत इस काम के बदले, पैसा निकालने के लिए। और मैं उनके घर गया पैसा देने के लिए, उनके पति के हाथ में पैसा दिया। उनके वो गाड़ी का ड्राइवर थे और मैडम थी और उसका पति, उनका वहीं दिया पैसा। जी, जनपद पंचायत करकेली के अंतर्गत ग्राम पंचायत बहरवा के सरपंच प्रमोद यादव द्वारा मासिक भुगतान हेतु एवं कराए गए कार्य निर्माण कार्य के भुगतान हेतु जनपद पंचायत CO से बातचीत की गई, जिन्होंने रिश्वत की मांग की। तो जिसकी शिकायत सरपंच प्रमोद यादव द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त कार्यालय रीवा को की गई, जिसकी पुलिस अधीक्षक महोदय शिकायत का सत्यापन किया गया, जो सही पाया गया, जिसके सत्यापन उपरांत कार्यवाही की गई। तो जनपद पंचायत CO प्रेरणा सिंह को रंगे हाथ उनके शासकीय आवास उमरिया स्थित शासकीय आवास में रंगे हाथ 10,000 रुपये लेते पकड़ा गया, जिन्हें गिरफ्तार कर कार्यवाही किया गया। और इसके विवेचना अधिकारी श्री DSP श्री प्रवीण सिंह परिहार हैं।